अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शंस हमारा कंटिन्यू था, जिसमें हमने 21.2 तक किए थे क्वेश्चंस। अब 21.3 का एक क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं आज। यहाँ पे केस जो है वो ये है कि भाई आपके पास डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं उसमें से एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक भी है। अभी तक जो हमने 21.2 तक किए थे वहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर थे, या तो रिपीटिव थे या तो नॉन रिपीटिव थे। अभी हमारे पास लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटिव है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो लीनियर फैक्टर है आपके पास वो आप वही प्रीवियस तरीके की तरह सेम रखो ए के अपान में, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है आपके पास उसके लिए आप जो न्यूमरेटर सेट करोगे वो ए के बाद दूसरा जो आप अननोन सेट करोगे बी या सी या डी जो भी है वो आप लीनियर के तौर पे सेट करोगे, बी एक्स प्लस सी की तरह सेट करोगे। यानी अगर लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर एक आप ए रखोगे अननोन, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे है तो उसके ऊपर जो आप न्यूमरेटर सेट करोगे वो बी एक्स प्लस सी। ए पे ख़त्म किया है तो ए के बाद बी और दूसरा चाहिए हमें सी, बी एक्स प्लस सी। अब वही सेम तरीका, आप इनका एलसीएम निकालो, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये यहाँ से कट जाएगा तो a से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और ये इससे कट जाएगा तो x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी से, ब्रैकेट में रख के करेंगे मल्टीप्लाई इसको, और इस तरफ ये हमारे पास सेम रखेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर हैं तो उनके न्यूमरेटर्स हम आपस में बराबर रखेंगे, 3x² - x + 1 = a x² - x + 3 और प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1। अब अगर x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करने से आपको a या b या c मिल जाता है तो पहले आप वो कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 + 1 हो जाएगा 0, और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी a हमारे पास रह जाएगा तो हम a फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करो, पुट x बराबर -1 टू फाइंड a। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर माइनस, और ये x की वैल्यू -1 + 1 बराबर a -1 का स्क्वायर माइनस, और ये -1 + 3, और ये सारा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये 3 - 1 का स्क्वायर होगा +1 + 1 × 3 - −−+1, और ये +1 = a -1 का स्क्वायर + 1 - −−+1, और ये प्लस का 3, ये ख़त्म हो गया। 3 + 1 + 1 ये हो गया 5, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 1 + 1 + 3 होगा 5। ए की वैल्यू हमें मिली 5, इस तरफ आएगा डिवाइड होगा 5/5, ए की वैल्यू हमें मिली 1। ए की वैल्यू 1 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ से कंपेयर -1 पुट किया था जिसमें, अब इस a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ 3x² - x + 1 हम सेम रखेंगे, और ये a इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ax² - ax, a इससे होगा तो ये होगा 3a। और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो होगा बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स जब 1 से होगा तो होगा बी एक्स, सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास सी एक्स, सी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का सी। बस इक्वेशन में एक साइड ये है और बराबर के इस साइड ये दूसरा है एक इक्वेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं उनमें से एक्स स्क्वायर कामन निकालेंगे, बाकी बचा ए,
और यहाँ से एक्स स्क्वायर कामन गया तो बाकी बचा बी, यानी इसमें से और इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कामन निकाला। और एक्स वाला टर्म तीन है हमारे पास, इनमें से भी हम एक्स को कामन निकालेंगे। अगर आप प्लस का एक्स कामन निकाल रहे हो तो यहाँ से बचेगा माइनस का ए, यहाँ से बचेगा प्लस का बी और यहाँ से बचेगा प्लस का सी। ये एक्स हमने कामन निकाल लिया और बाकी जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, एक थ्री ए और ये सी, ये दोनों हमारे पास टर्म जो है वो कांस्टेंट हैं। ये आप वही सेम रख दो, थ्री ए प्लस सी। अब इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है हमारे पास, यहाँ पे एक्स वाला टर्म और ये एक्स वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म वन और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इनके एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स वो आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, ये कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट थ्री और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए प्लस बी, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट माइनस वन, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कांस्टेंट वन, वहाँ से कांस्टेंट थ्री ए प्लस सी। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई है, अब इनमें से ए बी सी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास वन है जो कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ताकि हमें बी मिल सके और सी मिल सके। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री। अगर हम ए की वैल्यू वन जो है इक्वेशन वन में पुट करें तो हमें बी मिल जाएगा। पुट ए की वैल्यू वन इन इक्वेशन नंबर वन, तो थ्री बराबर ए की वैल्यू वन प्लस बी, वन इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस वन और बी का वैल्यू हो जाएगा टू, ये बी हमें मिल गया। और सिमिलरली अगर हम यहाँ से इक्वेशन थ्री में अगर ए की वैल्यू वन जो है वो पुट करें तो हमें सी भी मिल जाएगा। पुट ए इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री, वन बराबर थ्री इंटू वन प्लस सी, वन बराबर थ्री वन ज़ा थ्री प्लस सी, थ्री इस तरफ आएगा तो वन में से माइनस होगा तो बाकी बचेगा माइनस टू, ये हमें ए मिल गया, बी मिल गया और सी भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए बी और सी की जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे विद देयर अननोन वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड की है। तो यहाँ पे हम इसका जवाब सेट करें तो है हमारे पास a अपान x प्लस वन, तो a की वैल्यू है वन अपान x प्लस वन हो जाएगा, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू टू है तो होगा टू एक्स, प्लस सी है तो c की वैल्यू माइनस टू है तो हमने रखा माइनस टू अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। ये आ गया हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन।